नमस्कार दोस्तों, खरौंधी लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा इसके न्यूज को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बुधवार को प्रखंड के डीलर माह अगस्त का राशन उपलब्ध कराने के लिए एमओ सह वीडियो को आवेदन दिया, जिसमें अध्यक्ष शिव कुमार यादव ने बताया अगस्त 2022 में प्रखंड के सभी डीलर राशन का वितरण किए थे, लेकिन एनआईसी की गलती के कारण राशन वितरण शो नहीं कर रहा है। उसका समायोजन उनके द्वारा नहीं किया गया, जिसके चलते माह अगस्त का संपूर्ण आवंटन हम लोगों का काट लिया गया। हम लोगों को राशन प्राप्त नहीं हुआ, जिसके चलते हम लोग राशन का वितरण नहीं कर पा रहे हैं। प्रखंड खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी तथा जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी से मांग करते हैं कि जांचों उपरांत हम लोगों को राशन दिलाने की कृपा की जाए। इसलिए हम लोग सभी डीलर आज सामूहिक रूप से एमओ सह वीडियो गणेश महतो को आवेदन दे रहे हैं। इस दौरान अध्यक्ष शिव कुमार यादव, सचिव नरेश बैठा, कोषाध्यक्ष पुष्पा देवी तथा मीना देवी, रेमन बैठा, जवाहिर उराव, राम जीवन उराव, राम वृक्ष शर्मा, कुलदीप सिंह, खुर्शीद अंसारी, रामदास राम, मालती देवी सहित सभी डीलर उपस्थित थे। इस संबंध में वीडियो गणेश महतो ने बताया सभी डीलरों का स्टॉक जांच की जाएगी, जांचों उपरांत कार्रवाई की जाएगी। क्या समस्या है आप लोगों का? समस्या हम लोगों का यही है कि माह 2022 में हम लोग अगस्त 2022 में वितरण किए हुए थे पूरा सामग्री का, लेकिन हम लोगों का एनआईसी के गलती के कारण हम लोगों का राशन वितरण शो कर रहा है, लेकिन उसको समायोजन नहीं किया गया, जिसके चलते हम लोग का माह अगस्त 2023 में संपूर्ण आवंटन काट लिया गया, जिसके चलते हम लोगों को राशन प्राप्त नहीं हो रहा है, हम लोग राशन वितरण नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आज हम लोग आवेदन दे रहे हैं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को कि हम लोगों को जांचों उपरांत राशन दिलाने की कृपा की जाए, इसलिए हम लोग आज आवेदन दे रहे हैं। प्रेस मीडिया में जाने के बाद ये मामला उपायुक्त और आपका डीएसओ तक जाएगा, उनसे क्या मांग करना चाहते हैं? हम लोग यही मांग करना चाह रहे हैं कि सर, हम लोगों का जाँच करते हुए हम लोगों का जो खाद्यान्न बनता है आवंटन, उसे दिलाया जाए, ताकि हम लोग लाभुकों के बीच राशन का वितरण कर सके, ससमय वितरण कर सके। परिचय मुकेश तिवारी।